गाइस ये है जनरेटर का पार्ट टू वीडियो और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं जनरेटर के ऊपर कि जनरेटर की ये टंकी जो है इसको हम लोग सेफली सेफ तरीके से कैसे रखें ताकि ये कहीं से ब्रेक ना हो, कहीं से ये लीकेज ना करे। इसमें क्या होता था, मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आया। मैंने यहाँ पे जो है टंकी, ये जो टंकी देख रहे हैं, ये टंकी बहुत ही ज़्यादा लीकेज हो रहा था और ये जो प्रॉब्लम है बहुत बार मैंने फेस किया, इसलिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आप लोग सेफ कैसे रख सकते हैं और अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का जो वीडियो है करते हैं, उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं दी है देखा है जनरेटर सर्विस वाला, तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ उसको उस वीडियो को जरूर देखोगे, बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं और इसको जो है आप सेफ कैसे रख सकते हो। ठीक है, दिक्कत ये आती है कि फूट जाता है टंकी, दिक्कत कुछ नहीं होता, बस टंकी से लीकेज होने लगता है डीजल और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर डीजल लीकेज होता है तो आपका जनरेटर जितना तेल नहीं खाएगा, आपका इंजन जितना तेल नहीं खाएगा, उससे ज़्यादा तेल जो है नीचे ज़मीन में गिर जाता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इसी के ऊपर, तो बैक कैमरे की ओर चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ दोनों जनरेटर का, दिखाऊँगा कि मैंने किस तरह से उसे मेनटेन किया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सो गाइस ये है मेरा जनरेटर और ये जो जनरेटर 10 केवी का है, ये जनरेटर पुराना जनरेटर, आज लगभग इसको 4 से 5 साल हो चुके हैं गाइस इस जनरेटर को, और ये जनरेटर जो है अभी इसको 2 साल होने वाला है। और ये देखिए दोनों का कंडीशन बहुत ही अच्छा तरीके से इसको मैं मेंटेन करके रखता हूँ गाइस। तो चलिए फिर बात करते हैं, अभी क्या हुआ था मेरे साथ इस जनरेटर के साथ, ये हुआ था कि ये जनरेटर ना, ये नीचे से, ये आप लोग देख सकते हो, ये नीचे से ना ये जनरेटर यहाँ से तेल लीकेज कर रहा था। इससे क्या हो रहा था, बहुत सारा तेल जो है ना नीचे गिर जा रहा था और टंकी में जो डीजल है इंजन में, इंजन से ज़्यादा तेल तो नीचे गिर जा रहा था क्योंकि इंजन उतना तेल नहीं पीता जितना कि यहाँ से ये वो टपक रहा था। तो यहाँ पे किस कारण से टपक रहा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो कंपनी होती है, एक मिनट मैं आपको टॉर्च यहाँ पर आप लोगों को, ये देखिए टॉर्च मैं जला लिया, उसके बाद ये देखें ये तो ये होता है, ये थोड़ा हार्ड है, ये लोहे का रहता है, ये देखिए ये लोहे का रहता है और ये जो है हमारे इंजन से यहाँ पे टाइट रहता है। तो क्या होता है, जब इंजन चलता है तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है और ये लोग जब क्या करते हैं, ये ऊपर में तो इस टाइप का दे दिए, ये देखिए ऊपर में ये दे दिए, रबड़ दे दिए हैं और ये साइड में भी रबड़ दे दिए, तो ये ऊपर नहीं घिसता, ये ऊपर ये दोनों नहीं घिसेगा, जैसे कि ये इंजन चलेगा तो ये दोनों नहीं घिसेगा वाइब्रेशन से, ये दोनों नहीं घिसता। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये जो टंकी है ये घिसता है, क्या क्यों घिसता है, क्योंकि इसमें जो है ये देखिए रबड़ नहीं दिया इसमें। ठीक है, यहाँ पे रबड़ नहीं दिया इसमें, मैंने अलग से ये देखिए ट्यूब जो होता है ना ये, इसको काट के लगाया हूँ। अब ये क्या होता है कि अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैठ गया है और इसमें ये जो दोनों आपस में नहीं घिसता, दोनों आपस में घिसने के कारण ये जो है ना ये पार्ट ये पतला हो जाता है और यहीं से जो है ऑयल लीकेज होने लगता है। तो ये है, तो इस तरह से आप लोगों को जनरेटर में, अपने जनरेटर में जैसे लीकेज होने से बचाना है तो अपने टंकी सेफ रखने है तो आप लोगों को ये ट्यूब ये देखिए ट्यूब वगैरह आप लगा सकते हैं, जैसे कि अपना गाड़ी का, अपना मोटरसाइकिल का ट्यूब वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। और ये देखिए इसको मैंने दोनों तरफ ये लगा लिया है, लगाया हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरे दिक्कत हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बार बार ये कट रहा था। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इस इंजन के साथ मेरा क्या हुआ था, ये इंजन जो है ना पुराना इंजन है, इसलिए ये जो है 3 लीटर का ऑयल रखता है। इसमें क्या हुआ, मेरा एक भाई है वो, उसने 3.5 लीटर डाल दिया था, तो ये देखिए बहुत इधर से ये बहुत सारा ऑयल जो है इधर से निकल रहा था, ये देखिए ये इधर से ऑयल वगैरह पूरा निकल रहा था। तो आपको ये ध्यान देना है कि जितना इसकी कैपेसिटी है उतना ही आपको डालना है। तो फिर मैंने क्या किया, उस ऑयल को मैंने ब्रेक किया, निकाला इधर से
ये पूरा मैंने खोला था, ये देखिए ये पूरा खोला हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने वो छोटा सा वो क्या बोलते हैं चाड़ी वगैरह में डूम कैसे निकाल दिया, जिससे कि मैंने आधा लीटर ऑयल जो है निकाला, तब ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे ये देखो इसका एयर क्लीनर मैंने निकाल दिया है। अब आप लोग कहोगे कि क्यों निकाला है, तो इससे बहुत ही बड़ी मेरे को दिक्कत हो गई थी। क्या हुआ था, मैं जब बुकिंग में गया था इसके ऊपर वो कटोरी जैसा लगा था, लेकिन उसके ऊपर में भी एक और नट लगा रहता है, वो ना हिल हिल के वो गिरा, ये ऐसा लगा रहता है, इसको मैंने नीचे कर दिया, ये ऐसा लगा रहता है, तो फिर गिर के यहाँ पे वो पिस्टन पे एक नट जो है आ गया, और वो पिस्टन जो है ना मैं जनरेटर को चालू किया फिर वो रुक गया, और बुकिंग में था मैं तो ना। चलो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोगों को लगाना है ये जनरेटर में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जनरेटर का जो ऑयल होता है ना, सॉरी डीजल होता है ना, इसको कभी आप लोगों को फुल नहीं रखना है। जैसे कि आपको यहाँ तक कभी भी आपको फिल नहीं करना है, इससे क्या होगा कि बहुत सारा तेल आप लोगों का बाहर निकलने लगेगा इसमें टैंक में। और यहाँ से ये देखिए ये होता है, ये देखिए ये ना रबड़ है, और इसको हम लोग ऐसे टाइट कर देते हैं, तो इसको ना इससे थोड़ा इसको जो डीजल है ना अपना जनरेटर हिलता है, तो एडजस्ट डीजल को एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आ जाने के कारण ये आपका जो जॉइंट वगैरह होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। प्रेशर क्यों आता है, इधर से तो हवा पास नहीं होता है ना, ये देखिए इसको ये जो है इसको टाइट कर देता है इस तरह से हम लोग, ये हो गया टाइट इसका, अब यहाँ से एयर जो है पास नहीं होगा। अब क्या होगा, इधर से जो एयर आएगा ये जो है प्रेशर डालता है डीजल में, तभी तो ये पूरा डीजल यहाँ से चलता है ना, तो ये प्रेशर देता है, तो आपको कभी भी फील पूरा एकदम पेकअप एक फील नहीं करना है। कम से कम इससे ना 3 इंच 2 इंच आपको देना है, ताकि ये प्रेशर डाले तो फिर ये एडजस्ट हो जाए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, टंकी को कभी भी फुल आपको नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आप लोगों को लगा लेना है, बहुत ही काम का चीज़ है। ये देखियो ये जो ट्यूब है ना, ये बहुत ही काम का चीज़ है गाइस, तो ये आप लोगों को लगा लें। देखिए कि मैंने इसमें भी लगाया हूँ, और ये अपना ये जनरेटर है ये देखो इसमें भी लगाया हूँ। सो ये देखो, तो ये है पूरा, तो अपना डीजल का टैंक को आप लोग सेफ सुरक्षित रख सकते हो। सो गाइस अपने टैंक को आप लोग इस तरह से सेफ रख सकते हो। और जो चीज़ मैं अभी पिछला बता रहा था, ये मेरे साथ दिक्कत हुआ था है ना, ये देखो, तो इसका नट जो है क्या हुआ कि अंदर में चला गया, अंदर में जाने के बाद जो है वो पिस्टन को जाम कर दिया, जिससे मेरा जनरेटर जो है चालू नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ से पूरा खुलवाया, पिस्टन को खुलवाया, तब जाके वो बना। और ये ना मेरा बुकिंग में हुआ था यार, कि मैं मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने उन लोगों को किसी भी तरह से कन्विंस किया कि भाई आप लोग मैं इसको बनवाऊंगा, उसके बाद बजा दूंगा ऐसा। फिर इसको बनाते काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 2 घंटा लग गया, तो फिर उनके लिए मैंने दूसरा सेटअप दूसरा डीजे भेजा, तब जाके हुआ मेरा काम। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये वाला आपको मैं मेरा दूसरा जनरेटर में लगा है, तो इसको आप लोगों को नहीं निकालना है। ये एयर है, एयर फिल्टर है, और जो इंजन होता है उसे फ्रेश हवा चाहिए। फिलहाल मैं इसको निकाल दिया हूँ, उसके लिए मैं ये वाला लगवाऊंगा। जैसे कि आप लोग मेरा ये जनरेटर में देखो ये लगा है, तो इस टाइप का फिल्टर मैं उसमें लगवाने वाला हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि उसको आपको नहीं निकालना है। मैंने निकाला हूँ फिर अभी फ़िलहाल काम चलाने के लिए, इसमें लगवाऊँगा मैं। और उस टाइप का एयर फिल्टर आपको लगवा लेना है, क्योंकि ये वाला जो वो कटोरी वाला रहता है ना ऐसा गोल वाला, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, वो जल्दी से जल्दी वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग बताओ। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और साथ साथ सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा, आई होप कि आप सभी के लिए ये हेल्पफुल रहे। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और हाँ इसी टाइप के और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम सेव योर लाइफ, बाय बाय।